ये बारिश, इतनी बारिश पड़ी है कि ये हमारे आला शहर का निज़ाम है। ये आप देख लीजिए, आप देख पानी देख लीजिए, कितना पानी है। और यहाँ से गाड़ियाँ रक्षे गुजर रहे हैं, ये बारिश की सूरत हाल है। आप देख लीजिए, ये तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। और बारिश पड़ रही थी, अभी थोड़ी देर वहाँ बारिश का वक्फा हो गया है, तो ये रात से तकरीबन थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। ये गाइस आप निज़ाम देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं पानी और गाड़ियों का गुजरना, आप देख लीजिए। और हर बंदा पानी से बचने के लिए कर रहा है, हर बंदे की कोशिश होती है कि पानी में ना जाएं और लोग पानी में जाएं। ये पानी की वजह से बचने के लिए हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि हमें पानी के अंदर ना जाना पड़े। ये गाइस बारिश हो रही है, अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। खैर इतनी तेज़ तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ बारिश है। अब भी आस्ता आस्ता तेज़ हो गई, आप देख लीजिए, ये बारिश का माहौल देख लीजिए आप। आपको दिखाते हैं, ये देख लें नज़ारा बारिश का, देख लें हर चीज़ खुशगवार है, मौसम भी बहुत खुशगवार है। और अभी तेज़ बारिश हो गई, हम भी कह रहे थे निकल जाएं लेकिन नहीं निकल सके, और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। हर बंदा अपने अपने तरफ से भाग रहा है, आप देख लीजिए। हाँ ये गाइस चौक देख लीजिए, ये तालाब का मंजर पेश कर रहा है और यहाँ से पानी निकाला जा रहा है। ये फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी यहाँ पे लगा के इसके साथ पानी निकाला जा रहा है। अभी वो जनरेटर लगाया हुआ, वो जनरेटर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल में उनसे स्टार्ट नहीं हो रहा है। इतना इस चौक के अंदर पानी जमा हो गया है, बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया है और इसको निकाला जा रहा है। ये आप देख लीजिए, सारी बाइकें डूब रही हैं इसके अंदर। ये आप आप लोगों को क्या देखे, ये देख लो ना, यही हाल क्या हुआ हुआ है। ये आप देख लें, ये बारिश हो रही है, वो भी बेचारे मेहनत कर रहे हैं। देख लो फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगाई हुई है और साथ में वो जनरेटर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट हो नहीं रहा है उनसे, मेरे ख्याल में शायद हो रहा है। ये पानी खाली करने की कोशिश कर रहे हैं, ये खाली करते हैं, बारिश आती है घंटे के बाद फिर ये भर जाता है, भरने के बाद फिर ये खाली करते हैं। और वैसे इस चौक के अंदर इतना रश होता है जिसकी कोई हिसाब नहीं है। ये गाइस नज़ारा देख लीजिए, अभी ये बस भी आ गई है, अभी आपको दिखाते हैं ये कितना तालाब का मंजर पेश कर रहा है। ये आ गई, यहाँ से ये बाईपास पे जाएगी। ये भीग रही है, भीग रही है, बंदे भी भीग रहे हैं, बंदे बंदे भी। ये आपके, ये आप लोगों के नहाने के लिए रखा हुआ है। ये हम लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं, ये गटर लेन में कहाँ से नहाएंगे भाई। ये देख लो, ये पानी निकाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, ये फार्मिंग भी पूरी कर रहे हैं। उनकी जनरेटर नहीं चल रहा है, जनरेटर नहीं चल रहा है उनका। अभी गाड़ी लेके जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, देख अभी गाड़ी लेके जा रहे हैं। ये अभी इसने फार्मिंग भी पूरी कर दी है, ये गाय दिन का पानी निकाल के आए। म्युनिसिपल कमेटी वालों का ये जनरेटर नहीं चला है और ये
अभी दोबारा मेरे ख्याल में वापस जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं पानी का कितना, ये समंदर पानी का जला हुआ है, क्योंकि ये जगह नीचे है। एक ये दूसरी बस आ रही है, ये अभी दूसरी बस आ रही है। इसकी बस अभी ये पानी बहुत हो गया है। ये आप देख लीजिए अभी ये बोल रहा है गाड़ी में पानी जा रहा है, गाड़ी में ये पानी नहीं जाएगा, बहुत ऊपर है। ये रखे चिट्ठियाँ गाड़ियाँ, ये जो चौक है ये जगह बहुत बहुत ही नीचे है। जब बारिश आती है तो ये सारा पानी यहाँ पे इकट्ठे हो जाता है। आ गए जी हम अपने सेठ साहब के पास, अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा हमें कोई दिखता ही नहीं है, क्या हाल चाल? बार बार इसी पर आके अटैक कर रहे हैं, क्या हाल है सेठ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, बारिश से बच गया? शुक्र अल्लाह का। बारिश गाइस अभी तक, अभी तो खैर मौसम साफ हो गया है, अभी इतनी बारिश नहीं है। और ये रात से बारिश पड़ रही थी और इस बारिश के अंदर सारा निज़ाम गरम भरम हुआ था। अभी मौसम साफ हो गया है, अभी कुछ लोग बाहर निकलना शुरू